हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बच्चों में खून क्यों नहीं बनता, क्यों उनको खाया पिया नहीं लगता, क्या उनके पेट में कीड़े हैं या कुछ और, किस कारण से बच्चों की ग्रोथ समय से नहीं हो पाती। छोटा सा नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से बच्चों की रुकी हुई ग्रोथ को भी ठीक कर सकते हैं और उनको खाया पिया भी लगने लग जाएगा, जो उनके पिछके गाल हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। छोटा सा नुस्खा अपनाकर आप बहुत ही आसानी से उनको हष्ट पुष्ट और बना सकते हैं। उनका भी खेलने में मन लगेगा, उनको चुस्ती भी आएगी सिर्फ इस छोटे से नुस्खे के जरिए। इसको आपने कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल में लाना है यह सब हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए यहाँ बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको सब अच्छे समझ आ जाए कि आप इस नुस्खे को कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल में लाना है। तो यह नुस्खा आपको बताने से पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल घरेलू नुस्खे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक टमाटर। एक टमाटर के जरिए ही आप बच्चे का रुका हुआ विकास ठीक कर सकते हैं, उसके अंदर जो खून की कमी थी उसको दूर कर सकते हैं। अगर उसके पेट में कीड़े थे, कीड़े भी इस टमाटर के जरिए ही वो टमाटर उन कीड़ों को मार देगा। तो कैसे मारेगा, किस प्रकार मारेगा, कैसे आपने इसका सेवन करना है यह सब हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो एक आपने टमाटर लेना है ऐसे ही लाल रंग का, मध्यम आकार का, ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा नहीं, जितना कि आपका बच्चा आसानी से खा सके। इसको आप सुबह के समय खाली पेट दो भाग में इस प्रकार कट कर लेंगे। बच्चों को आपने खाली पेट इसका सेवन कराना है इस प्रकार कट करके। अब इसके ऊपर आप ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक इस प्रकार से हल्का हल्का डाल देंगे। ज्यादा नमक नहीं डालना आपने, ज्यादा नमक भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। सिर्फ हल्का हल्का आपने नमक ब्लैक सॉल्ट डालना है। तो अब इस बच्चे को अपने खाने के लिए दे दें। बच्चों को आपने जब खाने के लिए देना है तब तक वो खाली पेट ही रहेगा। जब खाली पेट ये किसका खा लेगा टमाटर, खाने के 1 घंटे पश्चात आप उसको कुछ और खाने को दे सकते हैं, और दिन में किसी भी टाइम किसी भी समय वो टमाटर का सेवन कर सकता है। दिन में जिस टाइम मर्जी करे, परंतु सुबह के समय जब आप बच्चे को टमाटर का सेवन कराएंगे तो बच्चे को खाली पेट ही टमाटर का आपने सेवन कराना है। चाहे बच्चा हो चाहे थोड़ा बड़ा हो, 15 से 20 साल तक का बच्चा भी इसे आसानी से खा सकता है और अपने शरीर को विकास कर सकता है। अगर उसके पेट में कीड़े हैं तो इस नुस्खे के जरिए बहुत ही आसानी से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। पेट दर्द भी होगा तो उसका वो भी ठीक हो जाएगा इस छोटे से नुस्खे के द्वारा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सब अच्छे समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह किसी अन्य नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।